ओके दोस्तों, अब हम अगला चैप्टर देखते हैं, नेचुरल रीजनरेशन। पहले तो देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस। इस पे लगभग हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, ऑलमोस्ट लगभग एवरी ईयर। नेचुरल रीजनरेशन और आर्टिफिशियल रीजनरेशन दोनों में बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेचुरल में प्लांट की जो नेचुरल वे है उसी से होता है, और आर्टिफिशियल में हम उसी वे को आर्टिफिशियली नर्सरी में ग्रो करते हैं। मींस जैसे नेचुरल तरीके से सीड के थ्रू एक प्लांट ग्रो करता है, हम उसी सीड को लेके आते हैं नर्सरी में, उसे ट्रीटमेंट देते हैं और पॉलीबैग में ग्रो करते हैं। ये प्रोसेस हो जाएगी अपनी आर्टिफिशियली। तो पहले हम इसी चैप्टर पर पढ़ते हैं। इस चैप्टर में कहीं कहीं पर आपको इस टाइप के रेड क्रॉस का मार्क होगा। ये वो कंटेंट होगा जो आपके मटेरियल में पीडीएफ में होगा, जिसे अगर आप राजस्थान ACF या अदर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर तो आपको इसे पढ़ना है, लेकिन IFS में इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमें ये देखना होगा कि रीजनरेशन होता क्या है। रीजनरेशन मीन्स एक कम्युनिटी है या एक प्लांट है, वो अपनी न्यू ऑफस्प्रिंग, नई जनरेशन लेके आ जाता है इंसान की तरह। जैसे कि इंसान अपने आप को रीजनरेट करके अपने बच्चों के थ्रू रीजनरेट करता है ह्यूमन जनरेशन को, तो वही इसमें है। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड क्रॉप विथ यंगर वंस अदर नेचुरली और आर्टिफिशियली इज कॉल्ड रीजनरेशन या रिप्रोडक्शन। इसका नेचुरल क्या तरीका हो सकता है? एक तो हो सकता है सीड के थ्रू। दूसरा क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी जो ट्रीज होते हैं उन्हें जब बेस से कट कर देते हैं तो वहाँ से एक टाइप की कोपाइस ग्रोथ कर जाती है, उसको बोलते हैं कोपाइस। थर्ड जो अपना है आर्टिफिशियली, जैसे कि अपने अभी बोला कि वहाँ से सीड लेके आए और सीड को नर्सरी में ग्रो किया, या थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कोई मेथड यूज किया। ओके, तो रीजनरेशन को हम बेसिकली तीन टाइप्स देख सकते हैं कि एक हुआ नेचुरल, दूसरा हुआ आर्टिफिशियल, और तीसरा जो हम फॉरेस्ट में जनरली करते हैं वो नेचुरल ही रखते हैं, लेकिन हम उसे आर्टिफिशियली थोड़ा सपोर्ट देते हैं, क्योंकि नेचुरल हमेशा एक जो रिक्वायरमेंट है उतना नहीं हो पाता। तो अब हम यहाँ पर बेसिकली देखेंगे नेचुरल रीजनरेशन। तो नेचुरल रीजनरेशन को हम दो पार्ट में डिवाइडेड कर लेते हैं, एक है जो अपना सीड वाला पार्ट है और दूसरा है जो इसका कोपाइस वाला पार्ट है। अगर हमने इसे ज़मीन के पास से बेस से काटा है ट्री को, तो वहाँ से जो ग्रो करता है न्यू सूट, जो ग्रो करता है जो पुराने ओल्ड स्टेम जो है, स्टम्प जो है ओल्ड प्लांट का, उसी से जो ग्रो कर रहा है उसे बोलते हैं कोपाइस। लेकिन अगर हम इसी स्टेम को जो स्टम्प बेस है उसे अगर 1 से 1.5 मीटर हाइट तक का छोड़ देते हैं और फिर यहाँ पर जो ग्रो करता है उसे बोलते हैं पुलार्डिंग। दोनों का केस सेम है, एक ही चीज़ है, बट केवल इतना फ़र्क है कि जो स्टेम का जो बेस था उसकी हाइट में फ़र्क है। पहले जहाँ कोपाइस वाला है उसमें उसकी हाइट जनरली 10 से 15 सेंटीमीटर होती है और पुलार्डिंग में 1 से 1.5 मीटर होती है। हम इन्हें अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहले देखते हैं हम सीड वाला। तो सीड जर्मिनेशन होगा तो उसके लिए हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, पहले तो कोई प्लांट अगर सीड के थ्रू अपने आप को जब रीजनरेट करेगा तो वो पहले सीड को प्रोड्यूस करेगा, मींस सीड का प्रोडक्शन होगा, फिर वो एयर एनिमल या एनी एजेंसी के थ्रू उस सीड को डिस्पर्स करेगा, फैलाएगा। जब वो फैल जाएंगे इसके बाद सीड का थर्ड पॉइंट आता है कि वो वहाँ जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होने के बाद वो अपने आप को वहाँ स्टेबलाइज करेगा। तो ये जनरली चार प्रोसेस के थ्रू, सीड के थ्रू हम जर्मिनेशन को देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर एक बात हो रहा है कि अगर हम सीड जर्मिनेशन को पढ़ रहे हैं तो हमारे दो पार्ट हुए सीड जर्मिनेशन वाले। एक तो इस टाइप से कि सीड जर्मिनेट हो गया, ये वाला पार्ट। अब ये हो तो गया, सीडलिंग वहाँ स्टेबलाइज हो गया, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसके बाद उसे इफ़ेक्ट कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो अगर हमें सक्सेसफुल रीजनरेशन देखना है तो हमें ये भी देख लेंगे इसी पार्ट में कि हमारी जो प्लांटेशंस हैं या इस टाइप से जो नेचुरल रीजनरेशन होते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं। ओके, तो इस सीड जर्मिनेशन वाले पार्ट को हम दो सब पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं सीड प्रोडक्शन वाला पार्ट। एक प्लांट है, उसका जो सीड प्रोड्यूस हुआ, जनरली प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो हर साल कर देते हैं। कुछ प्लांट होते हैं जो अल्टरनेट करते हैं। प्लांट्स में एक कॉन्सेप्ट है गुड सीड ईयर का।
गुड सीड ईयर मीन्स प्लांट में होता क्या है कि जैसे सपोज एक प्लांट है जो हर साल सीड प्रोड्यूस करता है, वो आफ्टर 5 और 6 ईयर की गैप के बाद एक ईयर ऐसा आता है जिसमें वो सबसे ज़्यादा नंबर में, क्वांटिटी में और सबसे बेटर क्वालिटी के सीड प्रोड्यूस करता है, उसे बोलते हैं गुड सीड ईयर। यहाँ पर आपको कुछ अदर पॉइंट भी लिखे मिलेंगे कि सीड मैच्योर ओव्यूल होता है, फलाना ढिकाना, इन चीज़ों को IFS के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो राजस्थान ACF के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम भी देंगे, इसलिए केवल उनके लिए है। तो यहाँ पर जहाँ भी इस टाइप का क्रॉस मिल जाए IFS वालों को सीधा रेड पेन से उस पार्ट को काट देना है। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा यहाँ पर भी वही है, जो पूरा का पूरा जो आपका कंटेंट जो दिख रहा होगा आपको, इसका आपके लिए कोई सेंस नहीं है, आप इसे काट दीजिए। आपको एक बात और याद रखना है कि कोई जो एग्जाम्पल्स हैं, मैंने 3 या 4 एग्जाम्पल रख रखे होंगे, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी मैं बोलूँगा और वहाँ पर केवल एक को याद रखना जो आपको सबसे आसान जाता हो याद रखने में, उसे। ओके, दूसरा है सीड डिसेमिनेशन। देखो, सीड डिस्पर्सल किसके थ्रू होता है, या तो विंड के थ्रू होता है, या वाटर के थ्रू होता है, या एनिमल के थ्रू। वाटर के थ्रू क्या, हाँ, जैसे कोस्टल एरिया है, नारियल है, कोकोनट, मैंग्रोव्स हैं, तो उनका जो सीड डिस्पर्सल होता है वो होता है वाटर के थ्रू। विंड, विंड के थ्रू कहाँ होगा, जो जो कोल्ड एरिया के हैं, पाइनस, कॉनिफर्स, इन सभी में विंड के थ्रू होता है। कुछ एनिमल्स देखोगे आप, जैसे बर्ड्स होती हैं, तो अपना फाइकस जो है, उमर, बरगद, इनकी जो फ्रूट होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे सीड होती है। बर्ड्स आती है, उन सीड को खाती है, वो फ्रूट को खाती है और लेके उड़ जाती है। फिर जहाँ पर वो बैठ करके उस सीड फ्रूट को खाएंगी, वहाँ पर सीड नीचे बिखर जाते हैं। और इस टाइप से बरगद आपने कभी देखा होगा किसी ओल्ड बिल्डिंग के ऊपर ग्रो कर रहा है, ऐसी जगह ग्रो कर रहा है जहाँ पर वो होना नहीं चाहिए। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई बर्ड्स उसे वहाँ पर पहुँचा दिया सीड को, और वहाँ पर जैसे ही उसे थोड़ी बहुत सॉइल मॉइस्चर मिली, वाटर मिला, मिनरल्स मिले, वो ग्रो कर गया। दो बातें और हैं IFS वाले के लिए बिल्कुल याद नहीं रखना, कि जो फिली टर्म यूज़ किया जाता है वो टर्म किया जाता है पोलन के लिए। मींस अगर वाटर है तो अगर वहाँ पर टर्म है हाइड्रोफिली, मींस इसका कहने का मतलब है कि वाटर के थ्रू पोलन को मूव किया जा रहा है, डिस्पर्स किया जा रहा है। अगर वहाँ हाइड्रोचोरी है, मींस वाटर के थ्रू सीड डिस्पर्स किए जा रहे हैं। तो फिली टर्म जो होता है वो पोलन के लिए होता है, और चोरी टर्म सीड के लिए होता है। यहाँ पर IFS वाले के लिए केवल इतने टर्म याद रख, इतना पॉइंट याद रख लेना चाहिए, ये वाला पार्ट। ये जो एग्जाम्पल वाला है, इस डिटेल में नहीं जाओ। तो पहले तो सीड डिस्पर्सल का आपको इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए, दूसरा इसकी एजेंसी क्या है, बस इनके नाम पता हो, बस इतने से काम हो जाता है। थर्ड पॉइंट आता है सीड का जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन आपको पता है सीड का EPGL हाइपोजियल दो टाइप के होते हैं, वो अभी इतना इम्पोर्टेंट बात अभी हाल फिलहाल अपने लिए तो नहीं है, IFS के लिए, ठीक है। हाँ, बस इतना याद रखो कि एक टर्म होता है जर्मिनेशन कैपेसिटी, इसको आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। जर्मिनेशन कैपेसिटी का मतलब हुआ कि अगर आपने 100 सीड को सॉइल में डाल दिया, पानी दिया, तो उसमें कितने सीड होंगे जो जर्मिनेट होंगे। अगर किसी प्लांट के 80% सीड जर्मिनेट हो रहे हैं, तो उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी हुई 80%। यूजुअली होता क्या है कि जैसे ही कोई प्लांट होता है, वो जो स्टार्टिंग फेज में, मींस जब आपने प्लांट लगाया और वो 3-4 साल बाद जैसे ही सीड प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, इनिशियल में उसके सीड बहुत अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मिडिल एज में पहुँच जाता है, उसके सबसे बेस्ट क्वालिटी के सीड प्रोड्यूस होते हैं। और जैसे ही वो ओल्ड एज में बुढ़ापा आने लगता है ट्री को, उसकी सीड क्वालिटी फिर गिर जाती है, सीड जर्मिनेशन परसेंटेज फिर गिर जाता है। तो इसलिए जब भी हम सीड कलेक्ट करते हैं, वो यूजुअली हम ऐसे पेड़ों से करते हैं जो मिड एज के हों। दूसरा, आपको भी पता है कि जो बड़े साइज के सीड होते हैं उनके अंदर फूड स्टोरेज ज़्यादा होगी, मतलब उनकी सर्वाइवल कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए हम जनरली लार्ज साइज के सीड लेते हैं। अब आता है पार्ट सीड एस्टेब्लिशमेंट। जब सीड कहीं पहुंचेगा, वहाँ कंडीशन ठीक मिल जाएगी, तो वहाँ एस्टेब्लाइज हो जाएगा वो। नीचे का फिर पार्ट है जिसे आपको नहीं देखना है, रेड से कट कर दो। ओके, अब आपका यहाँ आता है कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड एस्टेब्लिशमेंट।
अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी सीड के कहीं पे इस्टेब्लिशमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर ये फैक्टर में कोई भी छेड़ाखानी हुई तो आपकी सीडलिंग फेल हो जाएगी, यानी कि नेचुरल रीजनरेशन थ्रू सीड फेल हो जाएगा। अब आपके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बेसिकली मैंने आपसे बोला ये पांच पिलर याद रख लो। पांच पिलर मतलब क्लाइमेटिक, एडाफिक, टोपोग्राफिक, बायोटिक, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ, और एक है प्लांट का खुद जेनेटिक। आप ये छः सात को पिलर को एक साथ पेज पे और सबसे टॉप पे लिखिए, दिमाग कुछ भी पूछे ये कहीं ना कहीं बेसिक है, ये पूरी फाउंडेशन है फॉरेस्ट्री के। कोई भी फैक्टर आता है वहाँ पर ये काम करते हैं, ये इजीली आपको हैंडल करने में आसान जाएंगे क्वेश्चन को। ओके, अब यहाँ पर अपन एक एक करके देखते हैं। जैसे सपोज पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक मतलब क्या है? टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट। अब साल या टीक है, ये क्या है? ब्रॉड लीव स्पीसीज है, इनके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, इन लाइट बहुत ज़्यादा होती है, चाहिए होती है। इवन टीक का जो लीफ है इनिशियल फेज पर, उसकी लीफ लगभग ढाई ढाई फिट की लेंथ और विड्थ की होती है, मीन्स जितना अपना छाता होता है उसका लगभग हाफ साइज के बराबर इसका एरिया होता है एक लीफ का। क्यों? क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है लाइट की। अब अगर आपने टीक को इनिशियल फेज में शेड में ग्रो कर दिया, ऐसे पेड़ों के बीच में ग्रो कर दिया जहाँ छाई रहती है, शेड रहती है, तो क्या ये ग्रो जर्मिनेट कर पाएगा? जर्मिनेट तो हो जाएगा लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मीन्स स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो ये किसका हो गया? रेडिएशन का, मीन्स लाइट का। वैसे ही टेम्परेचर के साथ है, कॉनिफर्स वालों को अगर राजस्थान में लगा दोगे तो जलने वाले नहीं हो। ओके, आगे चलते हैं। एडाफिक फैक्टर। एडाफिक फैक्टर में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कॉनिफर्स, इस पर कई बार क्वेश्चन भी आए हुए हैं। कॉनिफर्स में क्या होता है कि टेम्परेचर है कम, तो कॉनिफर्स की जो लीफ शेडिंग है वो बहुत होती है, मीन्स एक तो आपके यहाँ जो ट्रॉपिकल है यहाँ के तो डेसिडुअस ट्री है, मतलब साल में केवल एक ही बार लीफ शेडिंग करते हैं, जबकि कॉनिफर्स है एवरग्रीन, वो हमेशा लीफ शेडिंग करते रहते हैं। तो एक तो लीफ शेडिंग ज़्यादा है, दूसरा टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ जो डिकम्पोजिशन की रेट है वो बहुत कम होती है, क्योंकि कम टेम्परेचर से बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जब डिकम्पोजिशन की रेट कम होगी, ऊपर से लीफ आती जा रही है, तो वहाँ पर जो लीफ लेटर है वो लगभग डेढ़ डेढ़ फिट की विड्थ का लीफ लेटर हो जाता है। अब इसके साथ बहुत बड़े इशू हैं। सबसे पहला इशू है ये मैकेनिकल बैरियर खड़ा कर देता है। अगर कोई सीड जर्मिनेट हुआ, आपने सपोज यहाँ एक सीड डाल दिया, उसे पानी मिला, वो जर्मिनेट हुआ, सीड को चाहिए कि वो अगले एक दो दिन के अंदर सॉइल को टच हो जाए, क्योंकि उसे केवल मॉइस्चर से काम नहीं चलेगा, उसे सॉइल से मिनरल्स भी चाहिए। लेकिन वो कितना रूट पेनिट्रेट करेगा? एक सीड के पास इतना फूड स्टोरेज नहीं होता है कि वो 10-15 दिन सर्वाइव कर ले। रूट एक दिन में एक डेढ़ फिट नहीं बढ़ सकती है, तो पता पड़ता है कि रूट 3-4 दिन में 5-10 सेंटीमीटर तक ग्रो कर पाई और डेथ हो गई उसकी, क्योंकि वो कभी रूट तक सॉइल तक पहुँच ही नहीं पाती है रूट। ये बहुत बड़ा मैकेनिकल बैरियर है कॉनिफर्स में रीजनरेशन का। दूसरा इसका एक और इश्यू है, ये जनरली होता क्या है, इसमें रेजिन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी फॉरेस्ट फायर लगती है, ये तो ऐसा समझ लो जैसे आग में पेट्रोल डाल रहे हो, धमाकेदार लगती है और पूरा फॉरेस्ट क्लीन हो जाता है। तो उस टाइम पे भी एक इशू आता है कि जो थोड़ा बहुत रीजनरेशन हो गया उसे ये कंज्यूम कर जाता है, फायर में बर्न हो जाता है। ओके, आगे आते हैं एडाफिक का। दूसरा है लैटेराइट सॉइल। अब आपकी सॉइल ऐसी है, लैटेराइटिक है, वेस्टर्न घाट की है, जहाँ पर सॉइल में पहले से मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स नहीं है। इस केस में आप कुछ भी कर लो, अच्छा प्लांटेशन नहीं लग पाएगा, वहाँ जायरिया जायलो कार्पा ही ग्रो कर पाएगा। बायोटिक फैक्टर देख लो, आप तो अच्छी तरह से प्लांटेशन लगा के गए लेकिन कोई एनिमल आया और खा के पी के चला गया। जैसे ये प्लांटेशन है जिसमें ये प्लांट है और ये डियर है, स्पॉटेड डियर है जो उसके बीच में घूम रही है। दूसरा, फॉरेस्ट एरिया इतना छोटा तो होता नहीं कि सभी जगह उसकी फेंसिंग की जा सके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फेंसिंग करके चला गया और जो ट्राइबल्स हैं उन वो अपने पूरे हर्डर्स जो हैं गाय भैंस को लेकर के आए, उस एरिया को पूरे को चरा दिया, ग्रेजिंग करवा दी।
तो जब वो ग्रेजिंग करते हैं तो कूद कूद के थोड़ी करते हैं कि भाई ये प्लांट है इसको नहीं करेंगे, तो उसको ट्रैम्पलिंग कर देते हैं, कुचल देते हैं। यहाँ पर आपको दो चीज़ें और समझनी पड़ेगी कि ग्रेजिंग और ब्राउचिंग में क्या डिफरेंस है। देखो, जो एनिमल नीचे के खाते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रेजिंग, और जो एनिमल अपर लीफ खाते हैं, सरफेस के सरफेस वाले हैं ग्रेजिंग, और जो ऊपर खाते हैं इसे बोलते हैं ब्राउचिंग। अच्छा, अब इसी पे वापस चलते हैं। दूसरा, वीड ग्रोथ का इशू है। कई बार क्या होती है, खासकर ग्रासेस जो होती हैं इनकी शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, 3-4 मंथ का इनका टोटल पीरियड होता है, तो इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है कंपेयर टू जो पेरिनियल ट्रीज हैं। इसे आप ऐसे ही समझ लो कि जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो इतनी तेज़ी से ग्रो करते हैं, या आपके सामने जो गाय बैल जो होते हैं उनका बर्थ आपके सामने होता है और कुछ ही साल में वो आपसे बड़े हो जाते हैं। तो क्योंकि उनकी लाइफ स्पान कम है, तो उनको अकॉर्डिंग उसी के चलना होता है। तो जो ग्रासेस हैं उनकी या वीड्स हैं उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, और उसका रिजल्ट होता है कि वो ये तो बढ़ नहीं पाते हैं, वो इन्हें कॉम्पिटिशन में हरा देते हैं। तीसरा, फायर इंसिडेंस में कॉनिफर्स में बता ही चुका हूँ, और इसका सॉल्यूशन तो कॉनिफर्स वालों का तो वही है कि जो जो लीफ लेटर फॉल है उसे टाइम टू टाइम वहाँ से निकाल दिया जाए। आगे चलते हैं, जेनेटिक फैक्टर। देखो, हर ट्री का कुछ जेनेटिक मेकअप होता है, जैसे कि मैंने आपको हार्डनेस एंड टॉलरेंस में चैप्टर में बताया था कि उसका कैसे सेल शेप है, उसके अंदर जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसका इफेक्ट है, सेल साइज का इशू है, या उसने कुछ स्पेसिफिक टाइप की मैकेनिज्म अपनाई है, जैसे कि मैंग्रोव्स के थे इनमें साल्ट ग्लैंड्स थी। तो कहीं ना कहीं कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो किसी एडवर्स कंडीशन में उस प्लांट को सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वही यहाँ पर देखना होगा आपको, कि कोई भी प्लांटेशन कहीं सर्वाइव करती है तो उसके कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं। जनरली जो प्लांट में जो हीट हार्डनेस क्लियर जो हीट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो होती है क्लोरीन। अगर किसी प्लांट के अंदर क्लोरीन कंटेंट ज़्यादा है उसकी सैप कंटेंट में, तो वो हीट हार्डनेस ज़्यादा होगा। अब आप यहाँ पर एक और देखेंगे, सब टॉपिक उसी में है जो मैंने आपको दूसरा पार्ट बताया था कि आप कैसे नेचुरल रीजनरेशन की सक्सेसफुल को इंश्योर करेंगे। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखो आप। पहला है, डिस्कस द नेचुरल रीजनरेशन इन सॉयल। नेचुरल रीजनरेशन को डिस्कस कर रहा था, मतलब नेचुरल रीजनरेशन है फर्स्ट थिंग। दूसरा, सिंपल बोला है उसने, इसका मतलब ये सीड के थ्रू बोल रहा है, कोपाइस या पोलार्डिंग नहीं बोला उसने, ठीक है, क्योंकि नेचुरल रीजनरेशन इन सॉयल बोला है। अब इन सॉयल का बोला है तो आप उसका मतलब यही नहीं ध्यान रखना कि हम सीड बोल दिया तो बस सीड है। सॉयल बोला है तो आपको कोपाइस में रूट सकर का था, आगे आएगा आपको, तो रूट सकर भी सॉयल के थ्रू हो रहा है, तो वो भी पार्ट को ध्यान रखना है। मीन्स ये केवल सीड नहीं है, इसमें कोपाइस का भी पार्ट है, लेकिन कौन सा पार्ट, रूट सकर वाला पार्ट। नेक्स्ट है, गिव स्टेप रिकमेंडेड फॉर इंश्योरिंग इट्स सक्सेसफुल रीजनरेशन। इसके सक्सेसफुल रीजनरेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब ऐसे स्टेप जिन्हें अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये रीजनरेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है 2010 का, व्हाई डू फॉरेस्ट प्लांटेशन फेल, साइट रिलेवेंट एग्जांपल। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन्हें हमने अप्लाई नहीं किया इसलिए हमारी प्लांटेशन फेल हो गई। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, बट एक में ये बोला कि ऐसे क्या स्टेप लेंगे जिससे हमारी प्लांटेशन सक्सेसफुल हो, दूसरे में पूछा गया था कि ऐसे क्या स्टेप है जिन्हें हमने नहीं लिए इसलिए प्लांटेशन हमारी फेल हो गई। सिक्स का क्वेश्चन देख लें आप, व्हाट आर द फैक्टर दैट एडवर्सली अफेक्ट नेचुरल रीजनरेशन ऑफ ट्री स्पीसीज। ऐसे फैक्टर जो नेचुरल रीजनरेशन को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो यहाँ जब नेचुरल रीजनरेशन वाली बात आए तो आप यूजुअली सीड और कोपाइस दोनों को लेके चलें, और कौन सा फैक्टर कर रहा है वो फैक्टर कॉमन होते हैं, दोनों में एवरेज कॉमन ही फैक्टर है। बस इतना फर्क होता है कि जो कोपाइस होता है, जो आप आगे पढ़ोगे, इस बात को हम बाद में डिस्कस करते हैं
क्योंकि कुपाई से भी आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा समझने में इशू आएगा। ओके तो अगर हमें इंश्योर सक्सेसफुल नेचुरल रीजनरेशन करना है तो उसके लिए हम ये 6-7 स्टेप करते हैं। सबसे पहला काम, ट्री में जो कैनोपी होती है वो दो टाइप की होती है। आप अगर जंगल में खड़े हो तो एक तो जो सबसे टॉप कैनोपी होगी, जो बड़े बड़े ट्री होंगे वो सबसे टॉप लेवल पे एक कैनोपी बना रहे होंगे। दूसरे जो छोटे छोटे ट्री होंगे वो उस पर दूसरी लेवल की कैनोपी बना रहे होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लगभग 4-5 लेयर की कैनोपी होती है। तो इसी टाइप का है इसमें कि आपको ऊपर की कैनोपी और जो दूसरी लोअर कैनोपी है दोनों को मैनिपुलेट करना होता है, उनको थोड़ा घटाना होता है, कम करना होता है, जिससे कि ऊपर से लाइट नीचे आ सके। क्योंकि जो आपने रीजनरेशन किया अगर उसे लाइट ही नहीं मिलेगी तो वो सर्वाइव कैसे करेगा प्लांट। तीसरा, आसपास की जो वेजिटेशन है उसको ट्रीटमेंट दो, सॉइल कंडीशन है उसको सही करो, ग्रेजिंग है, ब्राउजिंग है, ये वाइल्ड एनिमल वाले फैक्टर को कम करो। दूसरा, आसपास फायर लग सकती है इसलिए स्लैश डिस्पोजल वगैरह कर दो। स्लैश क्या होता है, आप जब कोई पेड़ को काटते हो तो उसका जो रेजिड्यू छूट जाता है ना, आपने काट करके उसका टिम्बर तो लेके चले गए लेकिन उसकी जो ब्रांचेज हैं, जो लीव्स है, ट्विग्स है, जो वहाँ पर छूट गई हैं, वो हुआ उसका रेजिड्यू, उसको बोलते हैं स्लैश। तो उसको आपको हटाना पड़ता है, अदरवाइज जो वहाँ पड़ा रहेगा सूख जाएगा और एक टाइप से फायर के लिए मटेरियल का काम करेगा, ठीक है। तीसरा है आपको, नेक्स्ट आपको इंसेक्ट पेस्ट से भी उनको थोड़ा प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अगर आप इन फैक्टरों को ध्यान से देखोगे तो ये वही 4 फैक्टर चलेंगे, क्लाइमेटिक, एडेफिक, टोपोग्राफिक और बायोटेक। इसके साथ मैंने आपको 3 और बताए थे, एनिमल, वाइल्ड लाइफ और जेनेटिक्स, इनको लेके चलो काम हो जाएगा। ओके अब यहाँ पर देख लो, मैनिपुलेशन ऑफ अपर कैनोपी और मैनिपुलेशन ऑफ लोअर कैनोपी। आपका अगला सब्जेक्ट है सिल्वीकल्चर सिस्टम। उसमें आप देखोगे कि हम क्या करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर होती है, एग्रीकल्चर में आप क्या करते हो कि एग्रीकल्चर में एक बार आपने गेहूं को बो दिया, जब वीट पक जाता है तो आप पूरे पूरी एक ही बार में पूरा खेत साफ कर देते हो। इसे फॉरेस्ट्री में बोला जाता है इस तरीके को, क्लियर फिलिंग, मतलब आपने एक बार में क्लियर पूरा पूरा कर दिया। फिलिंग मीन्स पेड़ को काट देना, क्लियर फिलिंग कर दी। इस क्लियर फिलिंग सिस्टम के साथ कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, जिन्हें आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जब वो इशू आते हैं तो रीजनरेशन जैसी इशू आ रहे हैं उसमें, तो हम वहाँ पर एक दूसरा सिस्टम लगाते हैं कि भाई हम एक काम करेंगे, क्लियर फिल नहीं करेंगे, हम वहाँ पर बीच बीच में कुछ छोटे पेड़ छोड़ देंगे, तो पेड़ों की छाएं रहेगी, तो जो नई जनरेशन उग रही है उस पर ये जो दुनिया भर के फैक्टर जो लग रहे थे उनका इफेक्ट, थोड़ा प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। इसलिए वहाँ पर उसको टर्म बोला जाता है सेल्टरवुड सिस्टम। तो वही सिस्टम यहाँ पर है कि जनरली जब पूरा जंगल होता है तो हम वहाँ पर कुछ पेड़ों को काट देते हैं, जिससे कि हम वहाँ पर नीचे ज़मीन में सीडलिंग लगा सकें, क्योंकि सीडलिंग के लिए चाहिए लाइट। ओके वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो जब सीडलिंग लगाने के लिए जो हम थोड़े पेड़ काट देते हैं उसे बोलते हैं सीडलिंग फिलिंग। अब सीडलिंग जब लग गई, सीडलिंग एक लिमिट से ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, अब इसे और लाइट चाहिए, तो हम बका के रिमेनिंग थोड़े पेड़ और काट देते हैं, फिर पेड़ और काट देंगे, ऐसे ऐसे तब तक काटते रहेंगे जब एक ऐसी कंडीशन आएगी जब सीडलिंग को ऊपर की जो शेडो है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब नहीं होती है तो लास्ट स्टेज को बोलते हैं फाइनल फिलिंग। फाइनल फिलिंग में वो पुराने वाले पेड़ों को पूरा निकाल दिया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को बेटर तो हम सिल्वीकल्चर सिस्टम में ही समझेंगे, बट यहाँ पर मुद्दा केवल यह है कि कैसे हम अपर कैनोपी को मैनिपुलेट करते हैं। अब अगर ये फॉरेस्ट यहाँ पर मैं जो डायग्राम है उसमें केवल सिंगल लेयर का है, सिंगल कैनोपी लेयर है, अगर यहाँ पर डबल कैनोपी लेयर होता तो यहाँ पर हमने जैसे अपर कैनोपी को मैनिपुलेट किया उसी टाइप से हमें लोअर कैनोपी को भी मैनिपुलेट करना पड़ता। तो यहाँ पर दो टर्म और हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, इन्हें यहाँ पर भी पढ़ लो, दर आएंगे, अभी तो आगे शुरू हुआ है अभी फॉरेस्ट आपका, ये कम से कम 10 जगह और आएंगे। कि पहला है ये रीजनरेशन फिलिंग। रीजनरेशन फिलिंग आपको समझ में आ गया कि जब आपने यहाँ पर सीड को रीजनरेट करने के लिए जो फिलिंग की थी, यानी कि जो सीडलिंग फिलिंग की थी वो, पर सीडलिंग फिलिंग के लिए आपने फिर बाद में और की, उसे बोलते हैं सेकेंडरी फिलिंग। और लास्ट में जब आपकी जो रीजनरेशन था, यानी कि
ये स्टेबलाइज हो चुका है, तो आपने क्रॉप को फाइनली कट कर दिया, तो आपकी सीडलिंग फिलिंग से फाइनल फिलिंग की पूरी पूरी स्टेज है, इसे बोलते हैं रीजनरेशन फिलिंग। दूसरा है एडवांस रीजनरेशन। अब देखो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आपका एक खेत होता है, इसमें आप पहले गेहूं काट देते हो, इसके बाद ही दूसरी क्रॉप बोते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी पुरानी ओल्ड क्रॉप अभी सर्वाइव कर रही है और आप न्यू क्रॉप को ग्रो करने का ट्राई कर रहे हो, मतलब आप वहाँ पर ग्रोथ को थोड़ा एडवांस कर रहे हो। पुरानी अभी खेत से गई नहीं है, निकली नहीं है, और आपने नई पहले से लगाना शुरू कर दिया, तो ये ग्रोथ जो है इसे एडवांस ग्रोथ बोला जाता है। ठीक है, ये जो सेकेंडरी फिलिंग है, ये क्योंकि सीडलिंग और फाइनल फिलिंग के बीच में होती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सेकेंडरी फिलिंग एक हो, सेकेंडरी फिलिंग बहुत सारी हो सकती, 3-4 बार ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं, तो उससे सेकेंडरी, टर्सरी, टेट्रा, पेंटा, ऐसे नाम ले सकते हैं हम। तो इन सबको कुल मिला करके बोला जाता है कि देखो, एक फर्स्ट है सीडलिंग, दूसरी लास्ट है फाइनल, और बीच की जो है उन्हें बोला जाता है कॉमनली इंटरमीडिएट फिलिंग। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में, ये हो गया। अब आता अपना क्वेश्चन कुछ, लार्ज स्केल मोर्टेलिटी हैज बीन नोटिस इन डेलवर्चिया सिसु एंड अकेशिया निलोटिका, व्हाट कुड बी पॉसिबल रीजन फॉर दिस मोर्टेलिटी। ये कह रहा है कि डेलवर्चिया सिसु और अकेशिया निलोटिका में बहुत बड़े लेवल पर मोर्टेलिटी होती है, इसके क्या रीजन है। तो आप लिख सकते हो कि प्लांटेशन फेल क्यों हो जाती है, तो वो वहाँ के फैक्टर हैं, वही तो ये कि डेलवर्चिया सिसु या निलोटिका है, ये फेल हो रहा है। फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके वही फैक्टर है। फेल क्या हो रहा है, प्लांटेशन ही तो फेल हो रही है, तो फैक्टर वही है। दूसरा, रीजन ऑफ डाइंग बैक डेलवर्चिया सिसु, यही क्वेश्चन 15 में आया, कमेंट ऑन द डाइंग बैक फिनोमिना इन सोरिया रोबस्टा, इज इट अ प्रॉब्लम और अडेप्टेशन। मैं इसे पहले बता चुका हूँ आपको, तो इसे यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। अब अपना पहला पार्ट हो गया सीड वाला, अब अपन देखेंगे दूसरा वाला पार्ट। सीड नेचुरल रीजनरेशन के दो पार्ट बताए थे, अब यहाँ दूसरे पार्ट में आएगा अपना, पहले देखेंगे कोपाइस वाला, फिर देखेंगे पोलार्डिंग वाला। तो कोपाइस वाला और रूट सकर वाला पार्ट देख लेंगे। यहाँ पर जैसे एक स्टेम है, ये पेड़ था, इसका आपने ट्रंक को कट कर दिया, तो जो ये बचता है इसे बोलते हैं स्टम्प, STUMP, स्टम्प। 10 से 15 सेंटीमीटर के लगभग इसे हाइट ज़मीन से छोड़ दी जाती है। यहाँ से कोपाइस निकलना शूट होता है, ये जो नए नए शूट ग्रो करते हैं इनको बोलते हैं कोपाइस। अगर ये कोपाइस यहाँ ऊपर से निकलता है, यहाँ के यहाँ स्टेम और ये बार्क, बार्क और स्टेम के बीच का जो जॉइंट पॉइंट है, वहाँ से अगर नई ग्रोथ निकल रही है, तो उसे बोलते हैं स्टूल कोपाइस। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऊपर से अगर कट किया है, तो ये एक टाइप से टेबल टाइप का काम करता है, जिसे हम लोकल स्टूल बोलते हैं। तो जो स्टूल से निकल रहा है वो है स्टूल कोपाइस। ये है कॉलर रीजन, कॉलर मीन्स जो रूट और स्टेम दोनों के बीच का जॉइंट पार्ट। ये कॉलर टर्म याद रखना, ये कई बार आगे भी आता रहेगा, कॉलर डायमीटर जैसे टर्म है। तो कॉलर रीजन से जो सूट कोपाइस निकल रहा है उसे बोलते हैं रूट कॉलर सूट, यानी कि रूट सूट बीच में कॉलर। ओके, तीसरा होता है सकर। सकर क्या होता है, जनरली प्लांट जो है उसका रूट या यूजुअली उसका ही एक स्टेम जो होता है उसी का एक पार्ट होता है। मोस्ट ऑफ केसेस में ये रूट ही होती है जो ज़मीन के पैरेलल काफ़ी लंबे टाइम लंबे डिस्टेंस तक वो चलती रहती है, और फिर उसी से अचानक से एक स्टेम ग्रो करके प्लांट निकाल देता है, उसे बोलते हैं सकर। तो आपको यहाँ तीनों टर्म याद रखना है, स्टूल सूट, रूट कॉलर सूट और सकर। अब यहाँ पर हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला आता है अपना सीडलिंग कोपाइस, एक टर्म है सीडलिंग कोपाइस, इसे देख लेते हैं। यहीं पे आपसे मैंने यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर आपने क्या लगाया, सीडलिंग, ये बड़े पेड़ हुए, सेकेंडरी फिलिंग की, फिर आपने क्या किया था, फाइनल फिलिंग की थी। जब फाइनल फिलिंग करोगे, बड़े बड़े पेड़ काटोगे, तो पेड़ तो ज़मीन पर ही गिरेंगे ना, जब गिरेंगे तो जो पहले से जनरेशन है वो वहाँ पर कुचल जाएगी, ट्रैम्पलिंग हो जाएगी उसकी। तो क्या करोगे आप,
अगर वो पेड़ कट गया, कोई टेढ़ा हो गया, कोई कैसा भी हो गया, तो इस टाइप से जब आपकी नई क्रॉप जनरेट होगी वो टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। तो आप क्या करते हो, उन्हें एक स्पेसिफिक हाइट से सब के सब पेड़ों को एक साथ काट देते हो, जो भी पुरानी ग्रोथ थी उसे बिल्कुल एक स्पेसिफिकली काट देते हो। इससे क्या होता है कि जो काटने के बाद उससे जो नई कोपाइस निकलेगा उसे बोलते हैं सीडलिंग कोपाइस। यहाँ पर रूट कॉलर सूट प्रोड्यूस बेटर ट्री देन स्टूल कोपाइस। इनने ये पॉइंट ध्यान रखना कि जो स्टूल कोपाइस होता है वो एक्चुअली स्टेम के अपर पार्ट से निकलता है, तो वो उसका ज़मीन से कांटेक्ट ना होने की वजह से उसका रूट सिस्टम कुछ नहीं होता है। अब वो तो ऊपर वाला पार्ट तो यंग होता है, लेकिन नीचे का जो स्टेम वाला पार्ट होता है वो होता है ओल्ड। तो एक टाइम के बाद ये जो ओल्ड वाला पार्ट है इसमें होने लगती है रॉटिंग। अब इसमें रॉटिंग हो गई तो ये कमज़ोर पड़ जाता है। इसका रिजल्ट होता है कि एक टाइम के बाद जो स्टूल कोपाइस वाला पार्ट है ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है ये। जबकि रूट कॉलर वाला सूट जो है ये कहीं ना कहीं सॉइल से कॉन्टैक्ट है, तो ये ग्रो वहाँ से भले ही किया लेकिन एक टाइम के बाद ये अपनी रूट खुद ग्रो करेगा, अपनी खुद प्रोड्यूस कर लेगा रूट। इसका रिजल्ट ये होगा कि इसके पास अपनी रूट सिस्टम होगा। तो अगर पुराना वाला ख़त्म भी हो जाता है, रॉट हो गया, कोई बात नहीं, ये सरवाइव करेगा। तीसरा अपना जो रूट सकार का था उसे देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर बताया गया स्टेम वाला पार्ट है जो नीचे अंडरग्राउंड ग्रो करके करता है। इसका सबसे एग्जाम्पल, यहाँ पर काफ़ी एग्जाम्पल है। अगर आप एमपी या सेंट्रल इंडिया से कहीं से हैं तो आप यहाँ पर एक तेंदुपत्ता याद रखें, डायोस्पायरस मेलेनोजाइलन। अगर आप नॉर्थ इंडिया से तो सबसे सिंपल है जो अपना शीशम होता है इसे याद रखें, सबसे एक्सेलेंट एग्जाम्पल है डेलवर्जिया सिसु। वो कहे कि रिमेनिंग एग्जाम्पल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, कई बार तो ये होता है कि ये रोड के एक साइड लगा है और रोड के अचानक बीच से एक सूट कोपाइस फोड़ देता है और रूट के बीच से एक प्लांट निकल आता है। अब ये अलग बात है, सकर समझाने के लिए था, लेकिन यहाँ पर अपना क्या पर्पज है। फॉरेस्ट्री वाले को जब इस टाइप से किसी प्लांट से उसके कोपाइस बना करके निकालने होते हैं, मतलब सपोज मान के चलो एक ऐसा पेड़ आपको मिला जो अकेला सिंगल पेड़ बचा आपके जंगल में और सभी उसके पेड़ ख़त्म हो चुके हैं किसी फायर इंसिडेंस में, तो उस स्पीसीज को अगर आपको बचाना है तो आप कैसे करोगे। बहुत सिंपल सा तरीका यही है कि आप उस पेड़ के चारों तरफ एक ट्रेंच खोद दोगे। ट्रेंच खोदने से क्या होगा कि ये जो जो रूट सकर्स थे इनके पास खुद का रूट था। अगर इसमें ऊपर पेड़ नहीं भी निकला है तो जैसे ये मेन स्टेम से कट जाएंगे इन्हें ऊपर से फूड मिलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ की जो रूट्स हैं, जो पैरेलल रूट्स हैं, उन्हें एक टाइप से इंडक्शन जाएगा कि भाई हमारे हमारे पास मिनरल्स और वाटर तो ठीक है लेकिन अब हमें खाना मिलना बंद हो गया है, अब हमें फूड अपना खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो वहाँ से तेज़ी से एक स्टेम को जर्मिनेट कर देती हैं, ग्रो करती हैं और इस टाइप से एक प्लांट और बन गया। और जैसे ही वो एक टाइम बन जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसे खुद करके लेके अलग जगह ट्रांसप्लांट कर देता है। तो ये एक ट्रेंचिंग करके थ्रू, जैसे यहाँ पर ये है, ये डेलवर्जिया सिसु के लिए ट्रेंचिंग की गई है। तो इसने कुछ रूट्स को इधर कर रह गया, कुछ इधर। तो मैन एक्चुअली स्टेम जो ट्रंक था वो इस रीजन में था, तो ये तो यहाँ पर रहेगा लेकिन इधर की जो रूट्स हैं इनको इंडक्शन जाएगा और यहाँ पर अब डेलवर्जिया सिसु के 5-6 पेड़ नए जनरेट हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर आपका कोपाइस वाला पार्ट हो गया, अब आपका पोलार्डिंग बचता है। मैंने आपसे बोला था कि पोलार्डिंग होता क्या है कि आप जनरली एक स्टेम होता है उसको 1 से 1.5 मीटर ऊंचाई के बाद आप उसे काटते हो, आप ज़मीन पर नहीं काटते हो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि अगर आप वहाँ पर कोई पेड़ लगाओगे तो वहाँ से एक सिंगल स्टेम मिलेगा, और अगर आपको ऐसा टिम्बर चाहिए, ऐसा लॉग चाहिए जैसे कि कश्मीर में क्रिकेट बैट बनाते हैं, तो उन्हें बहुत मोटी डायमीटर का स्टेम चाहिए ही नहीं है, उन्हें बस नंबर में ज़्यादा चाहिए। उन्हें एक पेड़ नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि एक स्मॉल एरिया से 1 मीटर स्क्वायर से उन्हें 25 या 15 स्टेम मिले, ना कि एक बड़ा वाला। तो वो क्या करेंगे, वहाँ से ज़मीन से एक
स्टेम को काट देंगे, मींस मेन स्टेम है जो ट्री का ट्रंक है, बोल है, उसे कट कर देंगे और उसकी साइड से कोपाइस ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन होगा क्या कि जब जैसे ही कोपाइस स्टार्ट होंगी, कोई एनिमल अप आएगा, गाय भैंस बकरी, वो उसे खा जाएंगे। अब ऐसे जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो उसे डिस्टर्ब ना करें, तो इसलिए उसे 1 या 1.5 मीटर ऊंचाई पर करते हैं। तो क्योंकि वो एक खंबे की तरह होता है, पोल होता है, इसलिए उसे बोलते हैं पोलार्डिंग। पोलार्डिंग के यहाँ एग्जाम्पल पूछे गए थे, तो आपको यहाँ पर 3 बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। एक है सेलेक्स, पूरी कश्मीर वैली में होता है और इसका पर्पज़ क्या है, क्रिकेट बैट के लिए। दूसरा मैंने बताया हार्डविकिया बिनाटा, अंजन है, इसका पर्पज़ क्या है, फाइबर के लिए। वैसे भी आपको पता है फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन में अच्छी तरह से पढ़ोगे कि कोई भी स्टेम होता है वो ज़्यादा मोटा होगा तो उसमें जो सेंटर एरिया है वो तो लिग्निफाई हो जाएगा, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे फाइबर नहीं मिलेंगे। मतलब फाइबर तो मिलेंगे लेकिन उन्हें एक्सट्रैक्ट करने का जो कॉस्ट बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा आपको। तो आप वहाँ पर क्या करोगे, जब आपको फाइबर एक्सट्रैक्ट करने हैं, या फिर ऐसा कोई है जहाँ पर आपको बार्क फाइबर निकालने हैं, अब आपको बार्क फाइबर निकालना है, तो वहाँ पर उस केस में आपको बार्क का प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसका सबसे सिंपल ऑप्शन होता है कि अगर आप वहाँ पर एक स्टेम है तो कम बार्क होगी, अगर वहाँ पर पोलार्डिंग कर दोगे तो पोल से वहाँ पर, जैसे यहाँ पर है, वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेम निकलेंगे, मतलब आपको वहाँ पर ज़्यादा बार्क प्रोड्यूस मिलेगी। ओके, तीसरा है कोटोनेस्टर बेसिलेरिस, ये वॉकिंग स्टिक वगैरह के लिए, जो बूढ़े लोग चलते हैं उसके लिए है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर केवल 2 चीज़ों को याद रखो, सेलिक्स और हार्डविकिया बिनाटा, 2 को याद रखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो, अगर आप कर सकते हो तो तीसरा भी कर लो, बट क्योंकि होता क्या, कॉस्ट बेनिफिट नहीं निकलता है, सिलेबस कंटेंट बढ़ जाता है और ये एक बार क्वेश्चन पूछ लिया इसके बाद वो दोबारा पूछते नहीं हैं, ये इशू है। एक बात और, जो 2012 है, 12-13, उसके बाद IFS में आ गई थी 13 से प्री, तो उसमें फॉरेस्टी जो ग्रेजुएट्स हैं और मास्टर हैं ये लोग लगभग वास आउट हो गए। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि फॉरेस्ट्री में अगर वो टिपिकल क्वेश्चन पूछ देते हैं तो उन्हें लिखने वाला कोई नहीं है। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो पुराने ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन थे वो अब धीरे धीरे कम हो गए हैं और अब थोड़ा क्वेश्चन में सिंपलिसिटी बढ़ गई, जिन्हें आसानी से लिखा जा सके। तो अगर आप कहीं क्वेश्चन देख रहे हो पुराना 12-13 तक के, 14 तक के क्वेश्चन हैं, तो वो टिपिकल थोड़े मिल सकते हैं, तो उनके पीछे ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। यंग जो नए हैं पिछले लास्ट 3-4 ईयर के हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे ये 17 में पूछा गया, तो कम से कम 3 याद रख लो हो सके तो, अदरवाइज 2 मेरे हिसाब से ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, अब अपना यहाँ पर हो गया पोलार्डिंग। अब थोड़ा इशू इसके और बचे हुए हैं। इशू क्या बचे हुए हैं, आप अपने कंटेंट में देखोगे कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज लिखा होगा कि उसमें रिजनरेशन कैसे हो रहा है। मैं यही सजेस्ट करूंगा अभी कि इस टॉपिक को, ये 2 पेज को अभी हाल फिलहाल के लिए छोड़ दें। अगले 2-3 दिन बाद जब आप सिल्वीकल्चर सिस्टम ख़त्म कर लेंगे, तब जब आप इसे पढ़ोगे तब आपके समझ में ये बिल्कुल पूरा पूरा आएगा। रीज़न ये है क्योंकि इसमें आएंगे जैसे जैसे चीरपाइन फॉरेस्ट है, इसके अंडर रेगुलर सेल्टर वुड सिस्टम यूज़ होता है। अब आपको नहीं पता कि रेगुलर सेल्टर वुड क्या होता है, तो यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, इसलिए जस्ट इस चैप्टर को थोड़ा समझ छोड़ देना है। बस यहाँ पर जो डिस्कशन करना है वो मैं बता देता हूँ, जो बेसिक इशू है जो मैं पहले बता चुका था कि चीरपाइन की जो ग्राउंड वेजिटेशन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लीफ लेटर बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो जाता है, स्टोर हो जाता है, 1-1.5 मीटर थिक की वहाँ पर कवर बना लेता है, तो इसमें फायर इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। तो चीरपाइन फॉरेस्ट का एक मेजर इशू है, ग्राउंड फायर सब कुछ यहीं होता है। दूसरा, फिर स्प्रूस फॉरेस्ट आएंगे, उनकी भी प्रॉब्लम बताएंगे कि भाई वहाँ पर क्या इशू है, फिर स्प्रूस फॉरेस्ट के, तो वही है एडेफिक वाले हो गए। दूसरा वीड ग्रोथ मतलब बायोटिक हो गया। तीसरा पूड सीड प्रोडक्शन, ये किसका, उसका खुद का जेनेटिक्स हो गया, बाहर के वाइल्ड एनिमल वाले कर गए, या एक्सपोजर टू हॉट सन, क्योंकि ये फिर स्प्रूस कहाँ के, एक बात देखो इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल फैक्टर में, कि आप कोनीफर्स हैं उन्हें ज़्यादा लाइट नहीं दे सकते,
और इधर के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले, ये जो ट्रॉपिकल के ट्री है इन्हें कम लाइट नहीं दे सकते। तो इधर का किसी ट्री के अगर फेल्योर वाला इशू लिखना है तो ट्रॉपिकल कंडीशन के फैक्टर को छोड़, तो जो वहाँ पर अवेलेबल है वो इन्हें पकड़ा तो ये फेल हो जाएंगे। ओके, नेचुरल रीजनरेशन ऑफ सिलेक्टेड स्पीसी, ये एक्चुअली उस टॉपिक का ये नाम था। तो मैंने यही बोला कि इन्हें अभी लेफ्ट कर दो, दो तीन दिन में आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, इसमें एक लास्ट टॉपिक और है, रीजनरेशन सर्वे। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको तीन चार जगह परेशान करेगा। जब भी आपसे कंपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन की बात की जाएगी, वर्किंग प्लान की बात की जाएगी, या यहाँ नेचुरल रीजनरेशन की बात की जाएगी, आपको रीजनरेशन सर्वे का मुद्दा खड़ा हो जाएगा। तो आपको ये थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, बहुत याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी एक बेसिक आइडिया है तो आप उसे लिख लेते हो। मीन्स मुद्दा है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत घूम भी गया तो आप उसे हैंडल कर लो। ओके, सर्वे मतलब क्या होता है, पहले एक मुद्दा हो रहा है यहाँ पर, ये वर्किंग प्लान है, टर्म वर्किंग प्लान समझ लेते हैं। आपने फॉरेस्ट मैनेजमेंट अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ोगे। अब आप एक बात बताओ, फॉरेस्ट को मैनेज करना है, आप एक जगह के DFO है, आप तो वहाँ पर अभी पहुँचे हो, लेकिन वो फॉरेस्ट तो पिछले 50 साल से मैनेज हो रहा है, तो 50 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कैसे कंट्रोल होगा? और अगर आप आज आए वहाँ, आपने वहाँ चार चीज़ें सजेस्ट की कि ऐसा होना चाहिए और आपका ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर जो सजेस्ट की थी वो चीज़ें कहाँ जाएंगी, कैसे काम करोगे? तो एक्चुअली होता क्या है कि उस एरिया के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे बोलती है, बोला जाता है वर्किंग प्लान। जनरली 10 या 15 साल के लिए बनाई जाती है, मतलब ये उस रीजन उस एरिया का पूरा सर्वे किया जाता है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट देखी जाती है, और अपने एम को ध्यान में रखते हुए कि हमें एक्चुअली इस फॉरेस्ट के साथ क्या करना है, उसके लिए हमें एक प्लान बनाते हैं कि हमें अगर ये काम हम करें, कहीं डैम बनाएंगे, कहीं इरोजन कंट्रोल करेंगे, कहीं नई स्पीसीज एक्जोटिक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये एरिया अच्छा बेटर ग्रो कर जाएगा, ये जो हमारा एम है वहाँ तो उधर की तरफ चले जाएंगे। तो ये कैसे करना है, क्या करना है, किस ईयर में हम कब करेंगे, तभी ये 15 साल में हम उस लेवल पे पहुँचेंगे, इस पूरी को स्टेप बाय स्टेप जिस बुक में लिखा होता है उसे बोलते हैं वर्किंग प्लान। तो जनरली जब ये वर्किंग प्लान बनाया जाता है तब हम रीजनरेशन सर्वे करते हैं। अब ये सर्वे कैसे करते हैं, तो जनरली हम करते क्या है कि किसी फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं, उस एरिया में रेंडमली कुछ सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं और एक सैंपल प्लॉट बनाते हैं। जनरली जैसे यहाँ पर 5 मीटर 5 मीटर 5 का बना लिया, या 10 10 के 15 15 के, डिपेंड करता है, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत है। फिर उस एरिया में हम ये देखते हैं कि किस टाइप की वेजिटेशन मिली, अगर आपको बायोडाइवर्सिटी काउंट करना है तो वो नंबर ऑफ स्पीसीज काउंट कर लेंगे उस एरिया में, लेकिन अगर आपको रीजनरेशन देखना है तो वहाँ पर ये देखेंगे कि पेड़ किस लेवल के हैं वहाँ, मतलब जैसे कि वहाँ पर ये देखेंगे, आगे देखते हैं कि उन्हें एक प्लांट, मीन्स आपके दिमाग में यही रखना है कि इसी सैंपल प्लॉट के बारे में बात की जा रही है। अगर उन्हें कोई ऐसा एक प्लांट मिल गया इस टाइप का जिसमें अब उन्हें कंफर्म है कि ये बिल्कुल स्टेबलाइज हो चुका है, इसकी हाइट 2.5 मीटर से ज़्यादा है, इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी रूट भी काफ़ी डीप होंगी, अब कैसी भी कंडीशन हो जाए, पानी 1 साल ना बरसे, कोई दिक्कत नहीं है, सर्वाइव कर लेगा, मतलब ये प्लांट अपने आप को स्टेबलाइज कर चुका है। अगर आपको अपने सैंपल प्लॉट में ये एक प्लांट मिल गया, 2 मिल गया 4 मिल गए, तो क्योंकि स्टेबलाइज हो चुका है तो इसके लिए एक टर्म जो साइन यूज़ किया जाता है वो है स्मॉल ई। तो हम वर्क बुक में जो सैंपल जो पेज होता है पेज के ऊपर लिखते हैं सैंपल प्लॉट का नंबर, और उसमें जैसे 1 2 3 नंबर लाइन होती है उसमें हम वहाँ पर लिख लेंगे ई, मतलब अगर 4 पेड़ मिले ऐसे आपके सैंपल प्लॉट में तो हमने वहाँ पर लिख लिया 4E। अब उस सैंपल प्लॉट में और देखेंगे, जैसे सपोज जिसने एक बड़ा सैंपल प्लॉट लिया है 15-20 मीटर स्क्वायर का, तो इसे यहाँ पर 1E मिल गया। इसके बाद ये दूसरे पेड़ों को देखेगा, इन्हें
ये बोलेगा कि इनमें देखो वूड है, सूट है, वूडी सूट है, ये बिल्कुल स्टेबलाइज तो नहीं है लेकिन हाँ ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर चुके हैं और ये स्टेबलाइज हो जाएंगे, ये कन्फर्म है कि स्टेबलाइज हो जाएंगे, ये कर लेंगे। जैसे अपन बोलते हैं कि हाँ भाई वो मेहनती बनता है, ये UPSC तो निकाल लेगा, अभी निकला नहीं है, निकाल लेगा। तो ये है, इन्हें बोलते हैं वूडी सूट। तो क्योंकि W है वूडी, इसलिए यहाँ पर यूज किया जाता है W। तो पहला स्टेबलाइज है, उसके लिए साइन है E, दूसरे के लिए वूडी सूट के लिए W। अब मान के चलो कोई वूडी सूट था, जैसे कोई एनिमल है ब्राउज करके चला गया, मतलब वूडी सूट है लेकिन वो थोड़ा डैमेज है या उसकी कंडीशन पहले वाले से थोड़ी कमज़ोर है, मतलब तो उसको हम, क्योंकि उसकी लग गई है ना, इसलिए उसे बोलते हैं W+। आपको तीन चीज़ें याद हो गई, स्टेबलाइज्ड, वूडी सूट और वूडी सूट ब्राउज्ड। ओके, अब चलते हैं अगले पे। चौथा प्लांट आपको ऐसा मिल सकता है जिसे बोलते हैं VP, हंटर जैसा। मींस ये इतना पतला है, हाइट ठीक ठाक है लेकिन इतना पतला है कि अगर साइड की सराउंडिंग का सपोर्ट इसे हटा दो तो ये तो हवा का धक्का लगा गिर जाएगा। ये मतलब अपने आप में बहुत कुछ बड़ा नहीं है लेकिन हाँ इतना है कि इसकी हाइट लगभग 50 सेंटीमीटर से ऊपर की है। यहाँ पर एक्चुअली पिक्चर में थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है और ये दूसरा प्लांट है एक्चुअली। नर्सरी जो हम सर्वे करते हैं रिजर्नेशन में, वो बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं, बट आपको समझ में आ जाए इसलिए ये पिक्चर है। तो अगर आपको किसी एरिया में केवल एक वूडी सूट मिला आपके सैंपल सर्वे में, तो आप उसे लिखोगे U, क्योंकि ये U क्यों है, क्योंकि ये अनस्टेबलाइज है। पहला था स्टेबलाइज, दूसरे का भी बूडी सूट, तीसरा बूडी सूट ब्राउट और चौथा है VP अनस्टेबलाइज। अनस्टेबलाइज था इसलिए टर्म है U। अब अगर उस सैंपल प्लॉट में आपको एक U एक मिला तो आपने U लिख दिया, अगर एक से ज़्यादा मिल गया तो आपने वहाँ पर U+ लिख लिया। अब देखते हैं कि फाइनली आपकी जो बुक होती है वो कैसे लिखते हो आप। यहाँ पर जैसे आपने बोला सैंपल प्लॉट नंबर लिखा एक, वहाँ पर आपको जैसे 2 E वाले मिले, 3 W मिले, 1 W+ मिले, प्लस आप जैसे U और U+ वाले हैं इन्हें लिख लोगे। अब यहाँ पर दो टर्म और हैं कि अगर आपको रिक्रूट स्टेज का एक आध कोई प्लांट मिला तो R है, लेकिन आपको आपने जहाँ सैंपल प्लॉट माला डाला वहाँ पर कोई वेजिटेशन ही नहीं मिली आपको, डेजर्ट में डाल दिया बाई चांस आपने, मान के चलो एक्चुअली सैंपल प्लॉट रैंडमली सेलेक्ट किए जाते हैं, तो रैंडम में कोई सैंपल प्लॉट डेजर्ट वाले रीजन में चला गया या ऐसे एरिया में चला गया जहाँ कुछ वेजिटेशन नहीं है, बैरन लैंड है, तो वहाँ पर जब कोई रीजनरेशन मिलेगी नहीं तो क्या लिखोगे, वहाँ पर 0 लिखोगे भाई। ओके, तो यहाँ पर इस टाइप की आपको टेबल मिलेगी नोट्स में। यहाँ पर आप कुछ रिमार्क्स में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली जो लिखा है उसका पर्पज ये है कि मान के चलो आपने कहीं सैंपल प्लॉट डाला और आपको केवल ई प्लांट मिला, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, ई अकेला मिला है आपको तो वो ये इंडिकेट करता है कि कम से कम उस सैंपल प्लॉट में एक प्लांट तो है ई वाला। अब आपने दूसरे सैंपल प्लॉट में डाला और वहाँ केवल एक W मिला, ई है ही नहीं, तो वहाँ W वाला मुद्दा है। अगर आप इसे समझ सकें तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार चैट करके पूछ लें, इसमें कुछ है नहीं, सीधी सी बात है। ओके, डिस्कस इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन। अब एक्चुअली अपना आर्टिफिशियल जो चैप्टर है वो लगभग ख़त्म हो चुका है रीजनरेशन का। अब मुद्दा ये है कि आप आर्टिफिशियल रीजनरेशन करना क्यों चाहते हो। पहला, हमारे पास टाइम बहुत है, खाली बैठा हो तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई, तो एक तो आपके पास मुद्दा ये लिख दो। दूसरा ये है कि भाई आपकी जो एफोरेस्टेशन कर रहे हो कंपा के अंडर है, या मोदी ने INDC में बोल के आ गए कि भाई हम 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक के लिए रिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो इस टाइप से आप एफोरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन करोगे तो नेचुरली तो इतनी सक्सेसफुल रेट से नहीं हो पाता है। दूसरा, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनका नेचुरल रीजनरेशन बहुत लॉन्ग टाइम बाद होता है, जैसे बम्बू है, वो तो 15-20 साल बाद आएगा जब उसमें सीडलिंग होगी,
दूसरा नेचुरल तरीके से एक्चुअली करने में थोड़ी और डिफ़िकल्टीज है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उनके सीड जो जर्मिनेशन है, जो मैंने बोला था कार्डिनल टेम्परेचर, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो सीड का जनरेशन अब घट रहा है। तो ऐसी जगह में, ऐसी ऐसी कंडीशन में आपको आर्टिफिशियली उन्हें देना ही पड़ता है। मतलब एक और इम्पैक्ट है, यूपी का मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, हर जगह अप्लाई होता है, कि जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उसमें जो वैल्यूएबल ट्री स्पीसीज थी, लोग उसे तो कट करके बाहर ले गए इलीगल फिलिंग में, तो फॉरेस्ट तो है लेकिन उसमें कुछ बचा नहीं है, तो फॉरेस्ट को आपको इनरिच करना पड़ेगा। एक रिसेंट एग्जाम्पल है, लास्ट मंथ असम रीजन में क्या किया गया है कि वहाँ पर होते हैं ओरंगटन, सॉरी आसाम रीजन में है गोल्डन लंगूर। इन गोल्डन लंगूर के लिए फूड के लिए कोई ट्री नहीं थे फॉरेस्ट में, मींस थे लेकिन इनकी पॉपुलेशन के लिए अकॉर्डिंग नहीं थे, बहुत कम थे। क्यों? क्योंकि लोग काट के चले गए, वैल्यूएबल स्पीसीज को एक्सप्लॉयट कर लिया। तो वो नरेगा के अंडर ये जो फूड वाले स्टफ वाले प्लांट हैं, इन्हें वहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं, तो इस टाइप से वो फॉरेस्ट को एनरिच कर रहे हैं। ग्रीन हाईवे कॉरिडोर के अंदर आप रोड साइड प्लांटेशन कर रहे हैं तो आपको आर्टिफिशियली करनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि किसी स्पीसीज को आपको एक्सीटू कंजर्वेशन करना है, तो एक्सीटू नेचुरल से थोड़ी हो पाएगा, आपको उसका कंटेंट कलेक्ट करना पड़ेगा, उसका सीड लेके आओ या कोपाइस लेकर के आओ और उसे आप अपने यहाँ लगाओगे। अब एक बार ध्यान रखिए, ये मेरी गलती है कि मैंने आपको नेचुरल रीजनरेशन पढ़ाया और यहाँ आर्टिफिशियल का क्वेश्चन करा दिया, लेकिन एक्चुअली ये अगले चैप्टर की स्टार्टिंग की पॉइंट है कि अगला चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है, क्यों हमें यहाँ नेचुरल रीजनरेशन फेल हो जाता है, क्यों ये हमारी ऐसी समस्या है जहाँ नेचुरल रीजनरेशन हमें सपोर्ट नहीं करता है और हमें उस नेचुरल प्रोसेस को आर्टिफिशियली ग्रो करना पड़ रहा है। अब आपके यहाँ जैसे यूकेलिप्टस है, उसको आपको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्या यूकेलिप्टस नेचुरली ग्रो करेगा? उसकी यहाँ फेवरेबल कंडीशन ही नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं पहले उसे आर्टिफिशियली ग्रो करके यहाँ पॉपुलेशन बढ़ानी पड़ी। अर्बन फॉरेस्ट या दिल्ली वालों का पॉल्यूशन है, तो यहाँ पर प्लांटेशन आपको आर्टिफिशियली लगाने पड़ेंगे। अगर आपको यहाँ पर और भी है कि डिटेल इन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिफिशियल रीजनरेशन, आपके आर्टिफिशियल रीजनरेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप वहाँ पर जो हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया था फॉरेस्ट की रोल, प्रोटेक्टिव प्रोडक्टिव, तो जो रोल है वो रोल है क्यों, एक्चुअली हम फॉरेस्ट को किस लिए किस पर्पज से देखते हैं, हमारा व्यू क्या है, हमारा जो एक्सप्लॉयटिव व्यू है फॉरेस्ट का, तो हम रिजनरेट तो उसी के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो उसी व्यू में है, प्रोटेक्टिव प्रोडक्टिव रोल में, और उसी रोल के फुलफिलमेंट के लिए हम यहाँ फॉरेस्ट को रीजनरेट कर रहे हैं या प्लांट को रीजनरेट कर रहे हैं। ओके, अपना ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू। इफ़ एनी इशू चैट कर सकते हैं।